अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों को भी कोटि कोटि सह नमन। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को पूरी रामचरितमानस की कथा को सुनाते हुए पुनः याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सचमुच में वह प्राणी धन्य है जो ऐसे निर्मल कथा को सुना। और यहाँ पर भगवान बहुत कुछ के बारे में वर्णन किए। कहते हैं वह देश धन्य होता है जिस देश में गंगा जी बहती है, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। वह नारी जाति नारी शक्ति वह धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा हकीकत में धन्य है जो नीति निपुण और धर्मात्मा है। और वह कुल धन्य है जिस कुल में भक्त होते हैं। तो देखिए, राजा आपको भगवान के राम भगवान राम के राम राज की दुहाई अभी भी देते हैं। तो राजा हम लोग किसका आदर्श ले सकते हैं? साक्षात भगवान जब कोई राजा अच्छा शासन करते हैं तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है कि राम राज आ गया। तो भगवान राम ही सबसे बड़े राजा, धर्म की स्थापना किए और धर्म के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था। ऐसे राजा भगवान हुए, आदर्श हुए। एक बार की बात है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य को हनुमान जी महाराज लाते हैं। तो सुसेन वैद्य कहते हैं भगवान से कि प्रभु, आप तो धर्मात्मा राजा हो और धर्म के लिए ही अवतार लिए हो, और मैं तो वैद्य हूँ और आपके शत्रु का वैद्य हूँ, तो मुझसे आप अधर्म क्यों करा रहे हो? तो भगवान कहते हैं सुसेन, वैसे तो वैद्य का काम है रोगी का को इलाज करना, लेकिन यदि तू धर्म की बात करते हो ना, तो सुनो, धर्म के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मैंने धर्म को नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं देखो, एक धर्म के लिए ही मैंने अपने राजपाट को छोड़ दिया, मैंने अपने प्यारे भाई को भरत को छोड़ दिया, मैंने अपनी सीता अर्धांगिनी को छोड़ दिया, धर्म के कारण मेरा पिताजी स्वर्गवास हो गया। और हे सुसेन, यदि धर्म की रक्षा के लिए यदि मेरा भाई लक्ष्मण भी मर जाएगा तो उसे मरने दो और मुझे धर्म का निर्वाह करने दो। जिस धर्म पे प्यारा राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, अब हमको धर्म निभाने दो। तो ऐसे राजा भगवान थे। और पतिव्रता नारी, तो दुनिया में कहा जाता है कि सती अनुसुईया महारानी पतिव्रता थी, पर वो माँ सती अनुसुईया माँ जानकी को एक वस्त्र दिए थे और कहे थे कि हे महारानी, आपका ये वस्त्र सब दिन नवीन रहेगा, नया रहेगा। तो यानी कि दुनिया में पतिव्रता का आदर्श माँ जानकी है। सब कुछ था उस अवधपुरी में, पर भगवान जब अवधपुरी को त्याग दिए तो माँ जानकी सर्वस्व त्याग कर पति सेवा में रहे।
और कहा जाता है कि जब रावण के द्वारा हरण हुआ था तो माँ जानकी ने प्रभु को इतना याद किए, इतना चिंतन किए कि संपूर्ण संसार उसे राममय दिखता था। तो यही भगवान शिव कहते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो ऐसे राजा को याद करते, मतलब भगवान को याद करते, पतिव्रता नारी को यानी भगवान को याद करते, सब तरह से वह धन्य हो जाता है जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। और वह मन जहाँ भगवान के भक्ति में लगा रहता है तो ऐसे सत्संग में मन लगने से वह घड़ी वह समय भी धन्य हो जाता है। देखिए प्रथम जो हम लोगों ने दोहा सुना कि गिरिजा संत समागम शम न लाभ कछुआन अ बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण, मतलब भगवान कहते हैं कि हे पार्वती जी, संतों के समान, समागम के समान अर्थात सत्संग से बढ़ के और कोई दूसरा लाभ नहीं है। अच्छा बोलिए, जो जो अभी सत्संग में आए हैं तो क्या आरती के बाद उसको 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा क्या? लाभ तो लोग उसी को कहते हैं जिसमें पैसा हो, रुपया हो, विधि व्यवस्था, जो भी इच्छा हो, कामना हो, पूरी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव क्यों कहते हैं कि सबसे अधिक लाभ है सत्संग में? तो देखिए, लाभ जो हम चीज़ को पा करके और लाभान्वित होते और कहते हैं बहुत बड़ा लाभ है, हकीकत में वो लाभ नहीं है। दुनिया में कोई धन दान करे तो उसको धन मिल जाएगा। द्रौपदी महारानी कहा जाता है कि शिशुपाल के लिए जब भगवान का सुदर्शन चला था तो माँ द्रौपदी महारानी नौलखा जो चुनरी थी उसे चीर करके भगवान की उंगली पे लगाए थे। तो भगवान ने कहा था, याद रहेगा यह दिन, हे द्रौपदी न भुलाऊंगा, देखना द्रौपदी मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊँगा। तो द्रौपदी महारानी सोचते कि मैं तो महारानी, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं, तो फिर भी कहती है कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये चीर जो है ना, चीर को ये धागा छोड़ करके आपकी उंगली में लग गया। चीर देख कर अधीर धागे ही सन, चीर छोड़ भागे हैं, अरे वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो धागे उंगली पे लागे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जब द्रौपदी महारानी थोड़ा सा वस्त्र दान किए और जब एक दिन ऐसा समय आया जब माँ द्रौपदी को वस्त्र की जरूरत पड़ी तो साड़ी का पहाड़ भगवान दे दिए। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, के साड़ी विच नारी है कि नारी है कि साड़ी, ये पता भी नहीं चला। तो थोड़ा सा वस्त्र दान दिए, वस्त्र मिला। कहा जाता है ये राजा बलि थोड़ा भूमि दान दिए थे तो आगे जन्म में बहुत मिला था। इसी तरह जो वस्त्र दान देते हैं, वस्त्र, जमीन दान देते हैं, स्वर्ण दान देते हैं, जो कुछ भी दान देते हैं वो हजार गुना लाख गुना बढ़ करके जीवन में आता है। पर ये लाभ नहीं है। लाभ क्या है कि जब हम इस जन्म को, जीवन को पूरा करें तो फिर से मनुष्य शरीर भक्ति सत्संग मिले। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती जी, जब ये जीव सत्संग करता है तो ये जीवन में भी सुखी सुख से रहता है और अगला जो जीवन होता है वो मनुष्य शरीर का होता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ है सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य जन्म और सत्संग फिर से मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज।